विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने की नवी मुंबई आयुक्त से मुलाकात, विद्यार्थियों की बकाया स्कॉलरशिप तत्काल देने की मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने शुक्रवार को नवी मुंबई के कमिश्नर अभिजीत बांगर से मुलाकात की। इस मौके पर एबीवीपी के सदस्यों ने आयुक्त से शैक्षणिक वर्ष 2019-20 की बकाया स्कॉलरशिप विद्यार्थियों को देने की मांग की। सदस्यों का कहना था कि कोरोना महामारी के समय विद्यार्थियों के साथ पालक अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ऐसे में यदि महानगर पालिका स्कॉलरशिप देती है तो थोड़ी राहत मिलेगी। उनका कहना था कि पिछले साल सभी विद्यार्थियों से फॉर्म भरवा लिए गए थे, उसके बावजूद किसी को स्कॉलरशिप नहीं दी गई। लॉकडाउन की वजह से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कहा जा रहा है, ऐसे में बहुत से बच्चों के पास मोबाइल नहीं है तो वे बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। यदि महानगर पालिका उनकी स्कॉलरशिप दे देती है तो वे मोबाइल खरीद कर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से आर्थिक संकट का दौर है, उद्योग धंधे ठप हुए हैं, लोगों की नौकरियां भी जा रही हैं। ऐसे समय में सन 2019 और 20 की जो स्कॉलरशिप शिष्यवृत्ति विद्यार्थियों को दी जानी थी वह अभी तक नहीं मिली है। विद्यार्थियों को शिक्षा लेने के लिए मोबाइल और लैपटॉप आदि चीज़ों का लेनी पड़ रही है बाजार से। इसके लिए विद्यार्थियों के ढेर सारे पैसे भी खर्च हो रहे हैं। लेकिन पिछले साल की सन 2019-20 की जो नई मुंबई महानगर पालिका की तरफ से शिष्यवृत्ति दी जानी चाहिए थी वो उन्हें आज तक नहीं मिली है। 2019-20 का सत्र भी समाप्त हो गया है, 2020-21 का सत्र 3 महीने हो गया है, लेकिन अभी तक उन्हें पिछले वर्ष की शिष्यवृत्ति नहीं मिली है, आगे की शिष्यवृत्ति भी नहीं मिल रही है। ऐसे समय में विद्यार्थी क्या करेगा? इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नई मुंबई की तरफ से हमने आज नई मुंबई के माननीय कमिश्नर जी अभिजीत भांगर जी को यह निवेदन किया कि सन 2019 और 20 की जो स्कॉलरशिप विद्यार्थियों की पेंडिंग में है आप दूसरे चीजों में कटौती करिए, लेकिन शिक्षण क्षेत्र में कटौती मत करिए, और जो स्कॉलरशिप ऑलरेडी पेंडिंग है वो आप विद्यार्थियों को दीजिए, जिससे आर्थिक संकट के इस महामारी के दौर में विद्यार्थियों को एक राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं से वो अपनी शिक्षा आगे पूरी कर पाएंगे। विद्यार्थी परिषद की मांग का स्वागत करते हुए आयुक्त अभिजीत बांगर ने जल्द से जल्द काम करने का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।